हेलो दोस्तों, आज की गिरावट देख के ऐसा लगता है कि मार्केट पूरा ख़त्म हो चुका है दोस्तों। और एक बहुत बड़ा कांड भी हो चुका है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले हम निफ्टी का खबर ले लेते हैं दोस्तों। अगर ऐसा होता रहा तो निफ्टी कल को आपको 5000 के आसपास भी दिख सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये छोटी बात है, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, निफ्टी जो है अपने सबसे निचले स्तर को टच किया है। वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 52 वीक लो क्या है, 8407, ठीक है। और टुडे का लो क्या है दोस्तों, अगर टुडे का लो अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी दोस्तों 8407 है। तो दोस्तों निफ्टी ने अपने सबसे निचले स्तर को छुआ है। और बहुत लोग ये भी पूछना चाहते हैं मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। और मार्केट गिरने का सबसे बड़ा कारण मैं आपको केवल दो लाइनों में ही बताना चाहता हूँ, दो से ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात यहाँ पर देख सकते हैं, कोरोना का अपडेट आया है दोस्तों, ठीक है। कोरोना का क्या अपडेट आया है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कोरोना वायरस अपडेट, ठीक है। कोरोना वायरस अपडेट यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, नंबर टू रेज मतलब कितने नंबर बढ़ चुके हैं, तो दोस्तों 1,52,000, ठीक है। 1,52,000 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्लोबल लिली, यहाँ इटली रिपोर्ट्स 252। ये लाइन को जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, वो अगर आप समझ जाओगे ना, तो आप खुद ही बोल सकते हो कि मार्केट अभी और भी गिर सकता है दोस्तों। मैंने जितना लिखा है 5000 के आसपास, आप उसको सीरियस मत लीजिए। मैं बोल रहा हूँ जितना मैंने लिखा है दोस्तों 5000 के आसपास, वो भी पॉसिबल है अगर लोग ऐसे ही मरते रहें तो। यहाँ पर देख सकते हैं इटली रिपोर्ट्स 252 डेथ्स इन 1 डे। अगर एक दिन के अंदर 252, 250 लोग अगर मरना स्टार्ट कर दिए तो सोच लो। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इटली में और क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इटली में अब ऐसे भी लोग आ चुके हैं जिनको जान नहीं बचाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों पेशेंट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब जितने भी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको छोड़ के जितने छोटे लोग हैं उनका जान सबसे पहले बचाया जा रहा है। सोचिए अब क्या हो गया दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन आ गया, ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो गया। अब वो नहीं चाहिए मुझे, अब ये चाहिए। अब ये जो बड़े लोग थे, ये बड़े लोगों को छोड़ के अब ये छोटे लोगों को जान बचाना जरूरी है, क्योंकि ये अभी और जी सकते हैं और इनका टाइम हो चुका है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट बोल रही है दोस्तों, ये पूरा न्यूज़ यहाँ पर आया है, आप जाके न्यूज़ भी देख सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये न्यूज़ को कोई हल्के में ना लें। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप सेफ़ हैं, आपके घर के अगल बगल अगर कोई ऐसा केस नहीं पाया गया है, तो आप बहुत लकी हो, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा सेफ्टी रखिए। अगर ऐसा ही चलते रहा तो दोस्तों मार्केट 5000 के आसपास गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये एक एक्सपेक्टेशन है। सबसे प्राइमरी क्या आता है दोस्तों, लाइफ। अगर हमारा लाइफ ही नहीं है तो हम पैसे को लेकर क्या करेंगे, मार्केट को लेकर क्या करेंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर ऐसे ही लोग मरते रहें तो, ठीक है। ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, ये मैं फैक्ट और डेटा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और यहां तक कि ये भी मैं बता रहा हूं दोस्तों, अब ये जो कोरोना वायरस है, ये अब छोटे छोटे जगहों पर भी आना स्टार्ट हो गया। जहां पर मैं रहता हूं दोस्तों, बेंगलोर के आसपास, ठीक है, बेंगलोर के आसपास 6 ऐसे केसेस हैं जो पाए गए हैं। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, जिस जहां पर ये कंपनी है, ये कंपनी दोस्तों, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, JSW स्टील, ठीक है दोस्तों, जिंदाल स्टील भी इसको बोला जाता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये स्टॉक पहले का थोड़ी मतलब कुछ दिन पहले ही, अगर हम 1 महीने के डेटा ले लेते हैं, तो दोस्तों ये देख लीजिए स्टॉक कहाँ पर था, ये दोस्तों 300 के लेवल पर था, ठीक है। 1 मंथ का आपको डेटा दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों 1 महीने के अंदर ये स्टॉक अगर देख सकते हो, अगर 50% गिर सकता है, और ये बस ज़्यादा नहीं, बस एक लोगों के वजह से गिरा, बस एक इंसान का। आप बोलोगे एक मतलब वन मेंबर के लिए ये 50% गिर सकता है, बिलीव नहीं है। तो आप इंटरनेट यूज़ करते हो, आज के ज़माने में कौन क्या बोल रहा है वो आप ऐसे ही पता कर सकते हो दोस्तों। ये जहाँ पर कंपनी है उसका नाम है तोरंगलू, ठीक है। तोरंगलू दोस्तों छोटा सा जगह नाम है, लेकिन दोस्तों पूरा जिंदाल इसको, ये जो कंपनी है ये सारा जगह इसी का है। यहाँ पर दोस्तों एक कोरोना वायरस का पेशेंट पाया गया है। अब आप बिलीव नहीं कीजिएगा,
खाना खाना मुश्किल हो चुका है, लोगों को सोसाइटी से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो भी है खाना है तो भी खाओ अंदर में ही, नहीं खाना है तो भी, जो भी है सब अंदर से करना है। और यहाँ तक कि दोस्तों जो एक बार ये बाउंड्री से, ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर निकल गया सोसाइटी से, तो उनको आने के लिए मेडिकल करवा के आना पड़ता है। और दोस्तों मेडिकल करवाने के लिए इतना बड़ा लाइन है, इतना बड़ा लाइन है, आप सोच नहीं पाइएगा। अगर आप एक बार घर से बाहर निकल जाइएगा तो आपको घर में आने के लिए सुबह निकलोगे तो शाम हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। इसलिए कंपनी का पूरा ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है, कंपनी भी बगल में है दोस्तों, कंपनी का पूरा मतलब लोगों को आना जाना पूरा स्ट्रिक्ट। तो एक इंसान की वजह से अगर किसी स्टॉक के प्राइस में यहाँ पर देख सकते हो 50% गिरावट आ सकता है, तो दोस्तों इटली में तो देख रहे हो कम से कम 250 लोग डेली मर रहे हैं, ठीक है, मर रहे हैं दोस्तों। वो ये शायद बताया जा रहा था, सॉरी मैं यही चेक कर रहा था मर रहे हैं कि नहीं करके, जो मैंने वर्ड बोला वो बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी जो रियलिटी है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डेथ्स इन ए डे, ठीक है, इन ए वन डे, एक दिन के अंदर। तो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों प्लीज़, अगर मैं देखो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, अगर कल को मार्केट में पॉजिटिविटी आई, अपर सर्किट अगर मार्केट जाना स्टार्ट हुआ कोई पॉजिटिव न्यूज़ से, तो वो शॉर्ट रिकवरिंग होगी। आप प्लीज़ ख़रीदारी मत कीजिएगा, जितना भी हो सकता है बेच के निकलो भाई, मत खरीदो। मैं बोल रहा हूँ हाँ, जब कोरोना वायरस का मेडिसिन वैक्सीन ऐसा कुछ आ जाएगा, लोगों का जान का खतरा नहीं रहेगा, तब आपको ख़रीदना है भाई, तब आपको ख़रीदना है। लेकिन अभी ऐसा टाइम नहीं आया है। मैं बोल रहा हूँ पूरा जगह सुनसान है दोस्तों, ऐसे लग रहा है जैसे कि रात को भी, अगर आप देखोगे अपने घर के आसपास तो रात को भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आते जाते रहते हैं, ठीक है, लेकिन दिन में नहीं दिखेंगे लोग, तो रात के बाद छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा हो रहा है तो निफ्टी और भी गिर सकता है भाई, मत खरीदो। मैंने जो टारगेट दिया है 5000, ठीक है, वो मैंने ऐसे ही आप लोगों को बताने के लिए बताया कि अगर ऐसे हो सकता है तो निफ्टी 5000 भी जाना तय है, ठीक है। तो आप इसको सीरियस मत लीजिएगा, ये एक एस्टिमेट करके अपना पर्सनली बताया जा रहा, लेकिन अभी आपको कुछ खरीदना नहीं है, जितना दूर रह सको मार्केट से उतना काफ़ी है। और हाँ, अभी खरीदना मत स्टार्ट कीजिएगा, मैंने एक और चीज़ बोला, अगर मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो मत खरीदिएगा, ठीक है, ये आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा भाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि न्यूज़ जो था और जो फैक्ट में आपको डेटा जो दिखा रहा हूँ सही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।